मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। मेरा तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन सोनोग्राफी में ये क्या दिखाई दे रहा है? चलो हम सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर आप खुद देखो, मेरा सच्ची में गर्भपात हुआ है। अक्सर ये बातें हम सुनते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि बिना ब्लीडिंग का गर्भपात। क्योंकि गर्भपात के आम लक्षण जो रहते हैं वो दर्द होना चाहिए, रुक रुक के दर्द आना, कमर में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग होना, पहले कई दिन स्पॉटिंग रहता है, अल्टर डिस्चार्ज रहता है, उसके बाद हेवी ब्लीडिंग होता है और अपना गर्भ बाहर आ जाता है क्लॉट के रूप में। लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते। हम रूटीन सोनोग्राफी करने डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी के रिपोर्ट पे पता चलता है कि बेबी की हार्ट बीट्स रुक गए हैं और बेबी जितना दिखाई देना चाहिए था उससे 2 से 3 हफ्ते कम दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम गर्भपात कहते हैं। वो गर्भपात मिस्ड अबॉर्शन यानी कि बिना ब्लीडिंग का रहता है। वैसे देखा जाए तो लगभग 25% प्रेगनेंसी के अबॉर्शंस हो जाते हैं। वो अबॉर्शंस कभी कभी हमें पता लगने से पहले भी होते हैं, इसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। कभी फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं, कभी दूसरे तिमाही में होते हैं, कभी तीसरे तिमाही में होते हैं, जिसको हम IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं। लेकिन जब हम अबॉर्शंस कहते हैं तो अबॉर्शंस 20 वीक्स से पहले जो होते हैं उनको हम अबॉर्शंस कहते हैं। पहले 13 हफ्तों में गर्भपात की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है, इसीलिए जब हम एनटी स्कैन के लिए जाते हैं जो 11 टू 13 वीक्स में किया जाता है, उस एनटी स्कैन के दौरान यानी कि एक सोनोग्राफी रहती है जिससे हमें पता चलता है बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे चल रही है और बेबी जेनेटिकली नॉर्मल रहने की संभावना कितनी है। वो जो स्कैन के माध्यम से हम देखते हैं उसको हम एंटी स्कैन कहते हैं। जब हम एंटी स्कैन करवाने जाते हैं तब पता चलता है कि बेबी की दिल की धड़कनें बंद हो गई है और ये मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। जो गर्भपात के आम लक्षण रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, फ्रेश ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग होना, पेट में दर्द होता है, ये सारे लक्षण मिस्ड अबॉर्शन में नहीं रहते। मिस्ड अबॉर्शन में कभी कभी सिर्फ हम इतना जान सकते हैं कि पहले हमारे जो लक्षण थे यानी कि स्तन में दर्द था या थोड़ा नौशिया होता था, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था, थोड़ी ब्लोटिंग सेंसेशन होती थी या खाने का हमें कम मन कर रहा था, तो ये सारी लक्षण हैं, वो लक्षण बंद हो गई है। ये भी इस बात का संकेत रह सकता है कि हमें मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। वैसे आम तौर पे देखा जाए तो लगभग 12 वीक्स में वैसे भी हमारा नौशिया कम हो जाता है, जी मिचलाना कम हो जाता है, डाइजेशन की तकलीफें कम हो जाती है, तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन का कारण क्या हो सकता है, किस वजह से ये मिस्ड अबॉर्शन होता है। वैसे देखा जाए तो अधिकांश मिस्ड अबॉर्शन का कोई कारण नहीं रहता, कारण रहता है लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। वैसे देखा जाए तो पहले तिमाही में जो अबॉर्शंस होते हैं, पहले 13 हफ्तों के अंदर जो अबॉर्शंस होते हैं, वो ज़्यादातर गुणसूत्र की विभाजन अनियमित असंतुलित होने की वजह से होते हैं, यानी कि वो बेबीज में जेनेटिक यानी कि जनुकीय प्रॉब्लम रहने की आशंका होती है। लगभग 70-80% अबॉर्शंस ये कारण से होती है। उनमें हॉर्मोन्स में बदलाव रहता है, जो हार्मोन अपनी प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए हमें इम्पॉर्टेंट रहता है, जो वो रहता है प्रोजेस्टेरॉन। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। कभी पहले तिमाही में संक्रमण हो जाता है, वो संक्रमण वायरल संक्रमण रहता है, या कभी कभी हमारी प्लासेंटा के थ्रू हमारे शरीर से संक्रमण बेबी की तरफ चला जाता है, उस टाइप का भी संक्रमण हो सकता है जिसे बेबी को खतरा पहुंच सकता है। कभी माँ का डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर की मात्रा
अनियंत्रित हो जाती है। जब माँ की ब्लड शुगर अनियंत्रित रहती है तो भी बेबी की हार्ट बीट्स बंद होने के चांसेस होते हैं और मिस्ड अबॉर्शन हो जाती है। कभी अबॉर्शंस इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हमारे शरीर में तैयार होते हैं और वो हमारे बेबी को रिजेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। इसीलिए बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, बेबी का पोषण नहीं होता और बेबी के हार्ट बीट्स बंद हो जाते हैं। तो ये जानने के लिए कोई टेस्ट रहते हैं तो अगली प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर हमें ये टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। तो ये अबॉर्शन इम्यूनोलॉजिकल हो सकती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। कभी कभी एनवायरनमेंट में, ये वातावरण में टॉक्सिन्स रहते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ रहते हैं, सांस के थ्रू माँ के शरीर में चले जाते हैं, कभी कभी पेट से भी माँ के शरीर में चले जाते हैं और उसका असर अपने होने वाले बेबी पे होता है और मिस्ड अबॉर्शन होने की संभावना रहती है। ये मिस्ड अबॉर्शन जानने का तरीका एक ही है, वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के माध्यम से वो मिस्ड अबॉर्शन हमें पता चलती है। जब अपनी मिस्ड अबॉर्शन हो जाती है तो डॉक्टर हमें वो गर्भ खाली करने के लिए यानी कि क्लीनिंग करवाने के लिए बोल सकते हैं। ये क्लीनिंग दो टाइप की होती है, एक दवाइयों से होती है, दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती होके एनेस्थीसिया देके गर्भाशय का मुंह थोड़ा खुलवा के वो अंडर एनेस्थीसिया क्लीनिंग हो जाती है। जब मिस्ड अबॉर्शन की हम दवाइयों के जरिए यानी कि ओरल हम जो खाने वाली दवाइयाँ रहती हैं वो लेकर करने की जब हम कोशिश करते हैं तो 80% पेशेंट में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 20% लोगों में वो आधी अधूरी होती है। आधा बेबी का पोषण वैसे ही अंदर रहता है और वो अबॉर्शन इनकम्प्लीट होने की संभावना रहती है, जो कंप्लीट करने के लिए हमें वापस गर्भाशय का क्लीनिंग करवाना पड़ता है। जब ये मिस्ड अबॉर्शन बार बार हो जाती है तो डॉक्टर आपको जेनेटिक टेस्ट के लिए कहेंगे, यानी कि जो मिस्ड अबॉर्शन हुआ है वो डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में भर्ती होके क्लीन करने के लिए बोलेंगे, ताकि हमें बेबी का जो प्लेसेंटा रहता है, आवल का पार्ट रहता है, वो मिल सकता है, जो हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। जब बार बार ये मिस्ड अबॉर्शन होती है या कभी एक बार मिस्ड अबॉर्शन होती है तो आपको एकदम चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो गई है। आपको निश्चिंत रहना है, डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशंस कहेंगे, जो जांचें बोलेंगे वो आपको करनी है। एक बार दो बार ऐसा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में आप कभी माँ नहीं बनने वाले हो, इसमें भी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया बिना ब्लडिंग का गर्भपात क्या होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये गायनेक इनफर्टिलिटी IVF प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।